अस्सलामुअलैकुम और आप सब खैरियत से तो हो गए और आप सभी का स्वागत है एमके जीरेशन ब्लॉग पर। आज मैं आया हूँ उर्स यहाँ पे चालू है, मुझे पता नहीं ये जगह कौन सी है तमिलनाडु के अंदर, तो मैं आपको आज यहाँ का उर्स दिखाता हूँ। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे भी यहाँ का इतना आइडिया नहीं है, बस आप मेरी वीडियो को देखें इंजॉय करें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की उर्स वगैरह चल रहा है। इतना मुझे पता नहीं आता, आप मेरी वीडियो को देख के बस इंजॉय करें। यहाँ पर दोस्तों मार्केट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सजा हुआ है और यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी उर्स चालू आपको सस्ते में सामान भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं आगे भी दिखाता हूँ और आपको मैं दरगाह का भी यूज़ दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा सजा हुआ है। मैंने भी बहुत नाम सुना था यहाँ का, इसीलिए कल तो मेरी टिकट है, मुंबई जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आज आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको 100 रुपये में बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं फिलहाल, अभी 100-100 रुपये में, ज़्यादा नहीं, खाली 100 रुपये में आपको जो चाहे वो खिलौने उठा दो, खाली 100 रुपये में। अभी हम चलते हैं दोस्त थोड़ा आगे, अभी और आपको दिखाता हूँ कि और आपको क्या क्या मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ भी मैंने सुना कि बहुत अच्छी अच्छी बनती है और टेस्टी भी बहुत है, और खाएगी भी, और आपको दिखाऊंगा अभी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलती है और कैसा है। ये देखिए ये क्या है, कुछ चटपटा है, लेकिन जो आप सोच रहे कि आपको मुंबई जैसा टेस्ट ये यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, कि इधर का जो टेस्ट है मुंबई जैसा आपको नहीं मिलेगा, यहीं के हिसाब से आपको मिलेगा, थोड़ा टेस्ट में बहुत डिफरेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपका जवाब माशाल्लाह से, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कलेजी बोटी और ग्रीन कलेजी है, सिख है, सिख पराठा वगैरह भी बहुत अच्छा है, सजावट बहुत अच्छी है और यहाँ पर पूरी तैयारी है, खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ पर के भी टेस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी आप टेस्ट करके ज़रूर देखना। अभी हम दरगाह के एंट्रेंस पर पहुँच चुके हैं, अभी हम अंदर जाके देखेंगे और आपको दिखाता हूँ कि अंदर दरगाह पे क्या सजावट है, कैसा है, सब मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर से।
दरगाह के अंदर एंट्री करने से पहले मैंने अभी यहाँ पर गया कि यहाँ पर बूंदी बहुत ही प्यारी सजी हुई है। जैसा कि आज 15 अगस्त है तो 15 अगस्त के हिसाब से इतना प्यारा सजा है, पूरा डेकोरेशन आप देख सकते हैं। मैं प्यारा आपको दिख रहा हूँगा, ये मेरा दोस्त है, आप जो देख रहे हैं साथ में मेरे आया है। और ये बूंदी देखिए क्या सजा है, तिरंगा एकदम पूरा अपना झंडा कलर, झंडे का जो है तिरंगा बहुत एकदम प्यारा सजा हुआ है। और सद कहाँ पे पड़ता है? सुलगिरी, तमिलनाडु, सुलगिरी। तो देख सकते हो दोस्त लोग आप, सुलगिरी में कौन सा की गोटा है पता नहीं मेरे को, जगह का नाम एकदम अलग अलग नाम है, मालूम नहीं पड़ रहा। ये देखो दोस्तों क्या बात, माशाल्लाह क्या प्यारी सजी है दरगाह। यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत क्राउड है यहाँ पे। आप यहाँ पे ग्राउंड के अंदर अभी फिलहाल कम है, अगर आप बाहर आप रोड पे जाए ना तो आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप लोगों से कहता हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ कि यार बाबा की बारगाह है, अदब का ख्याल रखे, हर वो काम करे जो कि अदब वाला है, और हर बहुत ही प्यारी जगह यहाँ बचे जो कि अदब के खिलाफ बाहर भी जाएगा तो आपको बेअदबी कहा जाता है, बहुत ज्यादा क्राउड मिलेगा। की बारगाह में दुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने के सारी बरकतों को अल्लाह तबारक व तआला हजरत यार बाबा के सदके में अता फरमाए, और हजरत यार बाबा। दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ पर टकनी गुट्टा कुछ बोलते हैं, यहाँ का नाम मुझे पता नहीं है। यहाँ पर मेला लगा हुआ है और उरूस चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मेला लगा है। झूले भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, आपको मैं यहाँ के झूले और बहुत सारी वीडियोस हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे चैनल पर बने रहे, मेरी वीडियो को स्किप ना करें। झूले वगैरह भी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो बचपन में आपने देखे रहेंगे, और जो कान में लाया क्या वजन वगैरह भविष्यवाणी जो होती थी आपको, वो एक चीज़ दिखाऊंगा जो आपको बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। ये देखिए आप सब झूले, बहुत ही प्यारा है। आज बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको पोटैटो चिप्स वगैरह मिल जाएगा, खाने पीने का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। ये देख सकते हैं बच्चा माशाल्लाह से बहुत ही क्या बोलते हैं भाई इसको, आलू चिप्स बना रहे हैं, आलू टोस्टर। इसको तेल में फ्राई करेगा और मसाला वसाला तेल में फ्राई करके आपको सर्व किया जाएगा।
ये तो आपको दोस्तों पता ही होगा, 50 रुपये के 10 फुके फोड़ो और जीत जाओगे, 10 फुके फूटे तो आपको 100 रुपये मिलेगा। लेकिन इन लोग से बच के रहना दोस्तों, क्योंकि ये लोग ना लूटने का भी काम करते हैं। बीच बीच में लोग बंदूक में गोली भी नहीं डालते और बोलते कि आपके निशाना नहीं लगा, तो आप ये ध्यान से देख के खेलना, ठीक है। ये तो दोस्तों आपको ज़रूर पता होगा, ये 50 रुपये के आपको 10 रिंग मिलेंगे और आप इसके ऊपर जो भी इसके ऊपर आप रिंग फेंकोगे, अगर रिंग बराबर आपको परफेक्ट निशाने पे बैठ गया तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, ये भी ज़्यादा इसमें लेकिन कुछ लगा नहीं है। लेकिन इसको देख के ना मेरे बचपन की मुझे याद आ गई, बचपन में मैं जू पे जाता तो ये चीज़ मेरे को बहुत देखने मिलती थी। दोस्तों अभी जो चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ तो आपने ज़रूर देखे होंगे बचपन में, अभी फिलहाल इतना ज़्यादा देखने नहीं मिलता। छोटा सा रोबोट आपको जो भविष्य बताता है, जो आपने देखे होंगे, आपको जो वज़न बताता है, कान में लगाओ तो आपको ये वज़न बताता है। ये चीज़ आपने बचपन में ज़रूर देखे होंगे जू साइड पर, अभी तो फिलहाल इतना देखने नहीं मिलता है। आज देख लीजिए जल्दी। दोस्तों आपने भी यहाँ बचपन में बैठे होंगे, आप भी बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। क्या बात है दोस्तों, आपको ट्रेन को देख के मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। बचपन की यादें ताज़ा पूरी हो चुकी है आज, मुझे देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। तो पता नहीं दोस्तों मेरी वीडियो भी कैसी बन रही है, मुझे भी नहीं पता ख़राब अच्छी कैसी बन रही है, या मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ जो आप नहीं देख रहे हो मेरी वीडियो को। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस मैं यही वीडियो भी लास्ट बना रहा हूँ, तो अभी लास्ट नहीं, अभी यहीं पे मैं मेरी वीडियो को एंड करता हूँ। तो आप देखते रहे मेरे चैनल MK07 ब्लॉग और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसा लगी, और अगर मेरे बोलने में अगर शायद कुछ गलती हो रही तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं ज़्यादा पता ही नहीं, मैं बोल खेल नहीं पाता हूँ, बस इतना ही बोलूँगा। मेरे वीडियो को देखो और कमेंट करके मुझे बताओ और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। तो बस आप इन्जॉय करें, फिर मिलेगा इंशाल्लाह आपसे, ज़रूर मुलाकात भी होती रहेगी, बात भी होती रहेगी। और कल मेरी टिकट है 16 अगस्त की, तो इंशाल्लाह कल मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अभी जल्द से जल्द मैं मिलूँगा, 17 तारीख़ को मैं पहुँच जाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, जब तक के लिए देखते रहे MK07 ब्लॉग, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और ध्यान से रहे और मेरे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।